इस वाले अरेंजमेंट में देखो, इसमें देखो, इसमें जो टेंशन आपको दिख रहा है ठीक है, और ये जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है, ये जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसमें मैं टेंशन टी मान लेता हूँ, तो इसमें भी आ जाएगा टी, और इसमें भी आ जाएगा टी, और इसमें भी आ जाएगा टी, क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग है जो यहाँ से पास होकर आई है। इसमें आ जाएगा यार 2t। अब मुझे a1, a2, a3 इन तीनों को एक्सलेशन को रिलेट करना है। अगर ये दोनों ब्लॉक ऊपर जाएंगे तो ये नीचे आएगा यार, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन्हें रिलेट करने की कोशिश करूँ, तो देखो रिलेट करने की कोशिश करूँ तो इस पर लगाता हूँ सिग्मा टी डॉट ए, इस पर जो टेंशन है वो ऊपर लगेगा, इस पर भी टेंशन ऊपर लगेगा, और इस पर भी टेंशन ऊपर लगेगा, और ये जा नीचे रहा है, तो ये जा ऊपर रहा, टेंशन भी ऊपर लग रहा है, तो ए टू टी सिग्मा टी डॉट ए कॉस जीरो, ठीक है। और ये जा ऊपर रहा, टेंशन भी ऊपर लग रहा है, तो ये प्लस a1t, क्लियर है। और ये जा नीचे रहा, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो माइनस 2a3 दैट इक्वल टू जीरो, कॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, टी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है डॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अनडिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये इन दोनों में एक रिलेशन है, एक्सलेशन इस तरह से।